तो लाउडिस इस वीडियो में हम बनाएंगे दुनिया की सबसे छोटी कैनन, वो भी इसकी मदद से। अगर आपको कैनन बनानी नहीं आती तो आई बटन में लिंक डाल दूंगा। अरे आजा, आ गई मेरी वीडियो, तो आप इसे देखकर बनाना सीख सकते हो। तो हम बनाते हैं अपनी दुनिया की सबसे छोटी कैनन। तो लाउडिस हमें अपने इंजेक्शन को यहाँ से कट कर लेना है, तो मैं करता हूँ अपने इंजेक्शन को यहाँ से कट। तो राउडिस मैंने ये कर लिया यहाँ से कट। अब दूसरी तरफ से हमें ये कट करना है पीछे का। अब ये हमने कर लिया कट, इसे लगाना है कुछ इस तरीके से, और इसे कर लेना है यहां से कट। तो राउडिस ये हमने कर लिया कट, इससे हम बनाएंगे अपनी कैनन का स्टैंड, जिसपे कैनन हमारी जो है वो खड़ी हो सके कुछ इस तरीके से। तो मैं करता हूं यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू का यूज। मेरे पास है ग्लू गन। राउडिस जो हमारी कैनन है वो बनकर एकदम रेडी हो गई है। एक बार देखो कितनी शानदार लग रही है, छोटी सी कैनन देखने में एकदम टॉय लग रही है, और ये असली में वर्क करेगी। और मैंने इस कैनन के पीछे एक छोटा सा छेद कर लिया। ये छेद इसलिए करा, हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी बाती, और बाती हमें चाहिए अपने बम में से। तो मैं लगाता हूँ बम का सेटअप, और इसके लिए लाता हूँ मैं बारूद। राउडिस मेरे पास है यहाँ पर गंधक पोटास। जी हाँ, हमारे यहाँ से गंधक पोटास बोलते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके लिख के बताएं। तो मैं अब ले लेता हूँ गंधक पोटास। तो ये राउडिस मैंने गंदे कोटास भर लिए। अब हम लेते हैं कुछ इस तरह का फ्यूज। अब इस फ्यूज को ऐसे लगा लेते हैं, और जो हमारी कैनन है वो बनकर एकदम रेडी हो गई है। और इसमें कमी है बस एक चीज की, कैनन के आगे लगाया जाता है एक बारूद का गोला, जिसे हम बोलते हैं, जो लोहे का होता है। तो हम लगाते हैं इसे, और जो हमारी कैनन है वो एकदम बनकर रेडी हो गई है। देखो है ना, बड़े ही शानदार। तो अब करते हैं हम इसे चलाकर देखते हैं क्या होता है, भैया ये चलती है या नहीं चलती। तो राउडिस ये थे मेरे दो अटेम्प्ट, और ये दो अटेम्प्ट में देखो क्या हो गया। इसका मतलब जो ये बॉडी है इसकी पूरी तरह से मेल्ट हो गई थी, पर अभी मैंने थोड़ी देर इसे सूखने दिया, अब ये दोबारा वैसे होगी। अब हम करते हैं कुछ तीसरा अटेम्प्ट, और इस अटेम्प्ट में होगा कुछ धमाकेदार, कुछ होगा रिस्की। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसे पूरा भर दिया जाए गंधक पोटास से, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसे फिल करता हूँ जल्दी से गंधक पोटास से। तो राउडिस एक बार हमारी कैनन की तरफ देखो, जो हमारी कैनन है उसकी क्या हालत हो गई है। जो हमारी कैनन है वो टूट चुकी है। एक बार कैमरे में कैनन को ध्यान से दिखाओ कि इसकी क्या हालत हो गई है। भैया जो इसका होल था वो हमारा बहुत ही ज्यादा छोटा था, और अभी कितनी ज्यादा चौड़ा हो गया, मतलब कि
तो आप खुद ही जान सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो जो हमारी कैनन है उसके अंदर कितना प्रेशर रहा होगा। और जो मैंने इसके अंदर बॉलें डाली थी वो बॉलें दिखाओ भाई कहां पर जाकर गिरी है, एक बार बॉल दिखाओ। वो बॉल यहां पर आकर गिरी थी और वो जो बॉल है वो पूरी मेल्ट हो गई थी, देखो एक बार पूरी मेल्ट हो गई है, वो चुपक गई है, मतलब एक फॉइल पेपर की बॉल बनाई थी हमने और ये मेल्ट हो गई है। तो राउडीज अगर आपको हमारी कैनन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना जरूर यार, इसे शेयर जरूर करो यार, हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट लेकर देते हैं और फ्यूचर में हम इससे भी ज्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट लाने वाले हैं। और आपके लिए एक बोनस ट्रिक टिप और है, हम इसे दोबारा ट्राई करेंगे, तो करते हैं फिर दोबारा ट्राई से।